सिमरौली शो स्पॉन्सर्ड बाय जीपी पैलेस सृजन फैशन एंड क्लाइमैक्स स्टूडियो डीपीएस बिन नगर की एक स्कॉलर स्टूडेंट जो फुटबॉल को एज अ करियर देख रही थी लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था उसके लिए। अचानक एक दिन जब उसका सामना क्रिकेट से हुआ तो कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना खुद उसने भी नहीं की थी। न जाने कितनी ही रुकावटें आईं उसके रास्ते में, लेकिन उन सब का सामना करते हुए सिंगरौली जिले से वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होने वाली फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिसने अपनी काबिलियत के दम पर इतनी छोटी सी उम्र में हम सबका दिल जीत लिया। She is a big inspiration for every girl. So guys, in Singrauli Show Studio, please welcome Miss Nuzhat Parveen. Hello everyone, I am Nuzhat Parveen, Indian women cricketer from Singrauli. I want to thank the Singrauli Show कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आके मैं खुद को एक्सप्रेस करूँ और आप सभी को मोटिवेट कर सकूँ। तो मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में आगे रहती थी और स्कूल डेज से ही खेलना पसंद करती थी, साथ में मेरे स्टडीज़ भी अच्छे चल रहे थे। इसी दौरान मैंने एथलेटिक्स चुना और एथलेटिक्स खेलना चालू किया, उसमें भी स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में था और मैंने उसमें नेशनल्स रिप्रेजेंट किया और आगे मैं इसी को फुटबॉल में ही अपना स्कोप बढ़ाना चाहती थी और आगे सक्सीड करना चाहती थी। 2011 में एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट का, मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप वो खेल सकते हैं, लेकिन मैं टोटली फुटबॉल खेलना चाहती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया और कन्विंस किया, उसके बाद मैं रीवा गई एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलने। उसके बाद जब मैं डिविजन्स खेली और अननोइंगली मैंने अच्छा स्कोर किया, उसके बाद मेरा स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ वेरी फर्स्ट टाइम में। उसके बाद से तो यूँ मान लीजिए कि मेरी गाड़ी आगे निकलती गई। बहुत सारे अड़चने भी आई, लेकिन ट्रॉफी अचीव करनी थी उनके सामने ये चीज़ें कम थी। मेरी आइडल जो है मिताली थी, मैं उनसे 2012 में मिली पुणे में, मैं एक सीनियर्स टूर्नामेंट खेल रही थी और मैं उनको अपना आइडल रख के आगे और मेहनत के साथ आगे बढ़ती रही। 2015 में मैं उनके कैप्टनशिप के अंडर एक जोनल टूर्नामेंट खेली जिसमें मुझे मौका नहीं मिला था पहले तीन मैचेस में, तो सबको ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे यंगस्टर हूँ और मे भी मुझे मैचेस ना मिले, और मैं फुल इन्जॉय कर रही थी। लास्ट मैच मुझे मिला, वो टू डे मैच था और मैंने डेब्यू सेंचुरी की उनके अंडर, मिताली दी के अंडर, और वहाँ से मेरा नाम जो है हाईलाइट हो गया। उसके बाद मुझे रेलवेज़ ने जॉब भी ऑफर किया और मैंने वेस्टर्न रेलवे को ज्वाइन किया आगे खेलने के लिए। इसके पीछे रीज़न ये भी था कि मैं इंडिया खेलना चाहती थी और मुझे और लेवल्स अचीव करना था, और मैं मेहनत करती रही इसी दौरान। मुझे पता नहीं चला कि कब वर्ल्ड कप में नाम आया और मैं वहाँ इंग्लैंड में लॉर्ड्स में फाइनल मैच खेल रही थी, और यूँ मान लीजिए सिर्फ 9 रन से हम हारे, लेकिन उसके बाद जब हम इंडिया आए तो हमें पता चला कि हमने करोड़ों के दिल जीते हैं। उसके बाद से जो टर्निंग पॉइंट आया है हमारे क्रिकेट कह लीजिए या हमारे सोसाइटी में वीमेन प्लेयर्स को लेके, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो काफ़ी देखने लायक है। तो यहाँ से आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ जो सोसाइटी थी उनका प्रेशर अलग था। यहाँ से कोई पहले खेला नहीं करता था, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता था कि कोई लड़की कैसे यहाँ से खेल सकती और आगे बढ़ सकती है। ये मैं चैलेंज के तरीके से ली, क्योंकि मैं उनको प्रूव करना चाहती थी कि नहीं, ये सिंगरौली होते हुए भी यहाँ से अगर किसी में जुनून है तो वो आगे निकल सकता है। और हाँ, यहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो होती ही थी, लेकिन वो सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं ताकि मैं उस लेवल पे खुद को प्रूव कर सकूँ और सोसाइटी के सामने प्रूव कर सकूँ। इस चीज़ से मैं अपने सिंगरौली वासियों का जो परसेप्शन है वो चेंज कर सकूँ कि नहीं, अगर जुनून है आपके अंदर तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी
जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे गर्ल्स बहुत कम खेला करती थी और जो भी खेलती थी वो एथलेटिक्स खेला करती थी। लेकिन यूँ मान लीजिए सिंगरौली वासियों का मुझे इतना सपोर्ट मिला है, चाहे वो नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो या मेरे कोच हो या सेक्रेटरी हो या मेरे सीनियर प्लेयर हो, हमें मुझे बहुत ज़्यादा उनसे सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ। और यूँ मान लीजिए कि अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता, साथ ही में मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, मेरे भाई बहनों का, के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने आज जो भी अचीव किया है सिंगरौली वालों के वजह से अचीव किया है। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगी, ना जाने कितने लोग ये बात जानते होंगे, 2017 में ही इंग्लैंड में बॉयज़ का चैम्पियंस ट्रॉफी चल रहा था और इंडिया उस वक्त पाकिस्तान से हार गया था, तो हमारी जो देश की जनता है वो काफ़ी गुस्से में थी कि हम कैसे हार सकते हैं, वो भी पाकिस्तान से। लेकिन हमें सिखाया जाता है कि कोई भी टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हमें उसे एज अ ओपोनेंट ही लेना है और हमें अपना बेस्ट देना है, ना कि ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। तो उसके बाद जब हम विमेन टीम जब पाकिस्तान से वन साइडेड मैच जीती, तब जाकर के लोगों को, भारतीयों को पता चला कि हाँ, विमेन टीम भी हम अपनी अच्छी कर रही है और वो भी अचीव कर सकती है ट्रॉफी। और उसके बाद हमारी गाड़ी आगे निकल पड़ी, हम बैक टू बैक मैचेस जीतते गए और हम पहुँचे सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें हरमनदी ने काफ़ी वन साइडेड परफॉर्म किया और उसके वजह से हम फाइनल में एंटर किए, जहाँ पे किसी को उम्मीद भी नहीं था, उम्मीद छोड़िए किसी को पता भी नहीं था कि विमेन टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेहनत कर रही है। वहाँ पे हर एक इंसान को पता था कि हम इस तारीख को खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप का मैच, और वो यूँ मान लीजिए ड्रीम से कम नहीं था मेरे लिए। फिर आया वो तारीख जिस दिन फाइनल मैच था, हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे और हमें पूरा भरोसा था कि हम जीत जाएंगे। हमारे घर वालों ने, हमारे सिंगरौली वासियों ने और बाकी लोगों ने आस रखी थी कि हम बिल्कुल जीतेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हम 9 रन से हार गए और हम इस चीज़ पे बहुत शर्मिंदा थे। हम सभी एक दूसरे को संभाल रहे थे और बहुत दुखी थे। लेकिन जब हम फ्लाइट से उतरे इंडिया, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक या दो इंसान भी होंगे हमें वेलकम करने के लिए, बल्कि वहाँ पे पूरी के पूरे यूँ कह लीजिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बाकी लड़कियाँ भी आई थी रात के 3 बजे फ्लाइट से हमें उतरता हुआ वेलकम करने के लिए, जिसने हमारे दिल को जीत लिया था। आज भी मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ ग्राउंड पे और मैं खेलने जाती हूँ, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि वर्ल्ड कप जल्दी से जल्दी अपनी कंट्री में आए। अभी तक हम 2 बार फाइनल्स खेल चुके हैं लेकिन 1 बार भी वर्ल्ड कप जीते नहीं हैं। तो हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, हमारा यही लक्ष्य है कि 1 बार तो वो ट्रॉफी अपनी कंट्री आनी चाहिए। जी, लेडी धोनी उस वक्त काफ़ी चल रहा था जब मैं वर्ल्ड कप खेल रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें कंपेयर की गई थी, जैसे कि धोनी जी, नो डाउट धोनी जी आइडल हैं और उनकी जो विकेट कीपिंग कलेक्शंस और जो स्टंपिंग्स है वो, उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और उसको सामने रख के वो मेरा एम रहता है कि वैसा करूँ। लेकिन उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि उनकी भी जो पहली जर्सी थी वो 7 नंबर, उनकी अभी भी 7 नंबर है, मेरी पहली जर्सी भी 7 नंबर थी, वो भी रेलवे एम्प्लॉई थे और मैं भी रेलवे एम्प्लॉई हूँ, वो भी फुटबॉल खेला करते थे और मैं भी फुटबॉल खेला करती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप लोग इससे देख के सीख सकते, वो ये चीज़ है कि वो भी छोटे शहर से थे और मैं भी छोटे शहर से हूँ, तो ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आप कौन से शहर से आ रहे हैं या आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं। आपके अंदर अगर लक्ष्य पाने का जुनून है और आप उसके तरफ मेहनत कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी आपको लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएगा। जब मैं खेला करती थी 2011 में जब मैंने शुरू किया था, तब यूँ मान लीजिए कि लड़कियों को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि तुम टीम में शामिल हो जाओ ताकि हमारी 11 की टीम बन जाए और हम टूर्नामेंट खेल सकें। लेकिन आज 8 साल बाद ये दौर आ गया है कि यहाँ पे इंटर स्कूल गर्ल्स के मैचेस भी होते हैं, मतलब हर स्कूल में 11 लड़कियाँ तो मिनिमम है अवेलेबल खेलने के लिए, और काफ़ी लड़कियाँ यहाँ से आगे भी बढ़ रही है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, स्पोर्ट्स कह लीजिए या पढ़ाई कह लीजिए, बहुत
अच्छा फ्यूचर बन गया है यहाँ के लोगों का, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं कि वो ऊपर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं लोगों को। तो यहाँ के गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि अब सोसाइटी के ऊपर से पर्दा हट गया है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो वो बस अपनी मेहनत करें और अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करें और सही राह पे चलते चलते अपने सक्सेस की तरफ बढ़े। फेवरेट क्रिकेटर मेरे सारा टेलर हैं, जो कि इंग्लैंड की विकेट कीपर भी रह चुकी हैं, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन नॉट ओनली आई एम फैन ऑफ हर प्लेइंग, बट वो एज अ पर्सन भी बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा एडवाइसेस देती हैं कि मैं अच्छा कर सकूं। थैंक यू। जो सिंगरौली शो चल रहा है, आई होप ये और बड़ा बने और बड़े पर्दे पे जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ मुझे, बाकी जितने भी सिंगरौली के सक्सेसफुल इंसान बन रहे हैं और बन चुके हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट और सपोर्ट कर रहा है। और अंत में मैं अपने सिंगरौली वासियों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि जब भी मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ के बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि वो कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। नुज़हत, यू आर अ रोल मॉडल फॉर एवरी गर्ल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर शो। आप ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहो और अपने यूथ को इंस्पायर करते रहो। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें द सिंगरौली शो के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।